إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم بھائیو اور معزز خواتین سورة يوسف کی تفسیر کا یہ سلسلہ آپ حضرات اور خواتین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے آج ہمارا درس ہے آیت نمبر 15 سے फिफ्टीन से मुतल और इस आयत की तफसीर की शुरुआत पिछले पिछले दर्स में हमने कर दी थी लेकिन वो तफसीर मुकम्मल नहीं हुई थी तो पहले आज इनशा आयत नंबर 15 सोरे यूसुफ़ आयत नंबर फिफ्टीन की तफसीर करेंगे और उसके बाद वक्त जैसा रहेगा उसके लिहाज से आयत नंबर सिक्सटीन के ताल्लुक से भी

आयत के ताल्लुक से चंद पॉइंट आपके सामने पिछले दरस में पेश किए जा चुके हैं इसलिए हम उससे आगे बढ़ते हुए जो पॉइंट्स बाकी रह गए थे उनकी तफसीर करना चाहेंगे आज के इस दरस में तो मैंने ये आपके सामने ज़िक्र किया था थोड़ा इशारा कर दूँ उसकी तरफ कि इस आयत से पहले कुछ चीज़ें हैं जो अंडर इस्टूड थीं इसलिए उनको हजफ कर दिया गया हसफ कर दिया गया यहाँ जिक्र नहीं किया गया है और ये किसी भी जबान की बलागत का एक हिस्सा होता है जिसे ईजाज़ कहा जाता है यानी जो चीज़ें अंडर हो हों उन्हें जिक्र करने की ज़रूरत नहीं होती है तो भाइयों ने अपने बाप से पूरे तरीके से जो है बातचीत की और उनको इस बात के लिए आखिर मनवा लिया कि वो यूसुफ को उनके साथ भेजेंगे और जब बाप इसके लिए तैयार हो गए याकूब तो ये भाई अपने जो है भाई यूसुफ को ले के चले और उन्होंने पक्का इरादा कर लिया वो अजमाऊ ये आज़मों के माने में है पक्का इरादा कर लिया आज़म मुसम्मम कर लिया कि यूसुफ को जो है कुएं की गहराई में डाल देंगे कुएं की गहराई में कर देंगे आई हो फी होफी जुब्बी तो यूसुफ़ को कुएं की गहराई में करने का पक्का इरादा कर लिया और उन्होंने ये काम अंजाम दिया तो यहाँ तक तो बात आपके सामने आ गई थी मैं चंद बातें आपके सामने जिक्र किया था तो जिस वक्त ये लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस गहरे कुएं की तह में उसकी गहराई में उसके डिफ्ट में उतार रहे थे ये पॉइंट मैं जिक्र कर चुका हूँ कि अल्फाज जो यहाँ जिक्र किए गए हैं उससे ये पता चलता है कि उन्होंने ऊपर से धक्का नहीं दे दिया उनको ऊपर से पकड़ करके कुएं में डाल नहीं दिया बल्कि अंदाज जो है कुरान का उससे ये पता चलता है कि उनको बड़े एहतियात के साथ नीचे उन्होंने कुएँ में डाला था नीचे किया था और इस सिलसिले में बाज रिवायतें भी तफसीर की किताबों में जिक्र की गई हैं कि किस तरह से उन्हें रस्सी से बांध करके नीचे किया गया ऊपर से रस्सी को काट दिया गया तो ये सब जो है चीज़ें जिक्र की गई हैं तफसीर की किताबों में तफसीर की किताबों में ये बात भी है कि यूसुफ आलाम उसमें थोड़ा पानी था तो पानी में गिरे उसके बाद वहाँ एक चट्टान भी थी तो चट्टान पर जो है ऊपर जो है चट्टान थी तो फिर वो पानी से चट्टान पर आ गए ताकि पानी में रहेंगे तो परेशानी हो जाएगी बहुत देर तक तो पानी में नहीं रहा जा सकता पर जो की थोड़ा ऊपर थी वो चट्टान उसी चट्टान पर करके खड़े हो गए उसी चट्टान पर थे बाज कि उसके बाद भाई ने लगाई उनको तो यूसुफ सलाम ने समझा कि शायद ये भाई जो क्यों अब मुझ पर कुछ तरस खा गए हैं उनको मेरे हाल पर रहम आ गया है और मुझे निकालना निकालना चाहते है तो उन्होंने उनकी आवाज़ का जवाब दिया उनकी उस पुकार का जवाब दिया भाइयों ने देखा वो चट्टान पर हैं तो ऊपर से जो है पत्थर डाल करके हलाक करने की उन्हें कोशिश की तो फिर यहूजा ने उसे उन्हें रोक दिया और कहा कि हमारे दरमियान जो पहले से मामला तय है वह यही है कि इनको मारा नहीं जाएगा कत्ल नहीं किया जाएगा और इस तरीके से यूसुफ को इस हाल में उन्होंने छोड़ दिया अलैहिस्सलाम को जब वो कुएं की गहराई में डाल रहे थे उसके डिफ्ट में डाल रहे थे तो ये भी है और ये चूंकि आगे कुरान की आयतों से भी साबित हो रहा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज को ये लेख करके के अपने बाप के पास पहुंचे थे तो आगे ये बात जो है आएगी इसका मतलब ये है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने से पहले भाइयों ने उनकी कमीज को निकाल लिया था कमीज़ को निकाल लिया था ये खुद ब खुद बात समझ में आती है क्योंकि अगर कमीज के साथ ही उनको अंदर डाल देते तो जाहिर सी बात है कि उनकी कमीज को लेके अपने बाप के पास कैसे पहुंचते थे तो कमीज को लेकर बाप के पास पहुंचे हैं इससे ये पता चलता है आगे जो बयान है उससे ये पता चलता है कि कमीस उनकी निकाल दी गई अलबत्त तफसीर की किताबों में उनकी कमीज़ के निकालने और उनके नंगे होने के ताल्लुक़ से जो बातें जिक्र की गई हैं उसका खुलासा ये है कि उन्होंने जब यूसुफ सलाम की कमीज़ को उतार दिया अब जानते हैं आप कि यूसुफ सलाम तो बहुत खूबसूरत थे निकाल दिया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको उनके सामने गिराने लगे इल्तिजाएं करने लगे कहने लगे कि आप जो है कमीज दे दो ये कमीज क्यों निकाल रहे हो मुझसे और जाहिर सी बात है कि शर्म है और कोई बहुत छोटे भी नहीं थे तफसीर की किताबों में तो बास किताबों में बारह साल और बास किताबों में अट्ठारह साल उम्र होने का भी जिक्र मौजूद है तो बहुत छोटे नहीं थे जिस उम्र में नंगे बच्चे घूमते रहते हैं देहातों वगैरह में उस उम्र के भी नहीं थे थोड़ी उम्र थी और जाहिर सी बात है कि हया उस उम्र में भी और खास तरीके से ऐसे शख्स के ताल्लुक से जो बाद में नबी बनने वाला है वो तो शुरू से ही शर्मो हया का पुतला होता है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात आपने सीरत की किताबों में सुना होगा पढ़ा जो सीरत की किताबों में पढ़ा होगा और बयानात पे लोगों से सुना भी होगा कि जब जो है अल्लाह के घर की तामीर हो रही थी तो अल्लाह के रसूल सल्हुसम जो जिनका भी बचपना था वो भी जो है ईंट उठा करके और जो है पत्थर वगैरह उठा करके अपने कंधे पर ला करके वो भी देते थे उसमें शरीक थे वो. तो अब जाहिर सी बात है कि अब ये पत्थर वगैरह रखेंगे कंधे वगैरह पर सर पर तो थोड़ी परेशानी होती है उससे तो कोई चीज़ वहाँ रख दी जाए फिर उसके ऊपर रखा जाए पत्थर को तो फिर पत्थर का वो असर और पत्थर का जो है कि तसर जिस्म पर कम हो जाती है तो वो जो नीचे लुंगी बांधे हुए थे प्यारे नबी सल वसल्लम उसको खोल करके अब्बास जो आपके चचा थे और उन्होंने जो है आव, आपके ऊपर जो है पत्थर उस पर रखने के लिए खोल करके रख दिया था तो आप बेहोश होकर के गिर पड़े थे और फिर जो है आपने अपनी लुंगी जो है बांध ली थी तो अम्बिया कराम बचपन से ही उनको जो जो अच्छी कदरें होती हैं अच्छे अखलाक होते हैं जिन्हें आज की जबान में आप वैल्यूज़ कहते हैं इंसानी जो है वैल्यू जो उसकी कदर होती है और जो शराफ़त की चीज़ें होती हैं और जो पूरी इंसानियत से ताल्लुक़ रखती हैं सारे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखती हैं तो अम्बिया कराम बचपन ही से उनके अंदर ये चीज़ें मौजूद रहती हैं तो सलाम बहरहाल यकीनन रोए होंगे गिराए होंगे लेकिन ये भाई लोग तो बहरहाल उनकी कुछ सुनने वाले थे नहीं इस तरह से उन्हें डाल दिया गया फिर रिवायतों में बाज जो है तफसीर की किताबों में और जहाँ तक मैं ये समझता हूँ कि ये बातें जो है इसराइलिया से ही ली गई होंगी कि जब उनको डाला जा रहा था इस तरीके से जब उन्हें कुएं में जो है नीचे कर रहे थे तो जिब्राइल अलैहि सलाम को अल्लाह तबारक तआला ने भेजा आवाज लगाई जिब्राइल सलाम को और कहा कि जाओ मेरे बंदे पर जुल्म किया जा रहा है जाओ जा करके उनको बचाओ तो जिब्राइल अलैहि सलाम आए जिस वक्त तो उनको कुएं में रस्सी काट दी गई गिराने का था तो आकर के उन्हें पकड़ लिया और पकड़ करके उनको उसी चट्टान पर जिसका जिक्र भी मैंने कहा आम तरीके से तफसीर की किताबों में चट्टान का यह जिक्र है चट्टान का मतलब कि एक पत्थर जो पानी से ऊपर वहां एक पत्थर था उसी पत्थर पर जिब्रैल अल्लाम ने यूसुफ अल्लाम को कर दिया और ये भी जिक्र है और मैं समझता हूँ ये भी इसराइलिया से ही ताल्लुक रखती है चीज एक, एक कपड़ा लिबास जो कि जिसके बारे में यहां तक जिक्र किया है तफसीर की किताबों में कि ये अलैहिस्सलाम ने इब्राहिम को उस वक्त ला करके उनको आग और ये जन्नत के उसी सलाम तक पहुंचा तो याकूब सलाम ने यही कपड़ा जो है यूसुफ सलाम के पास उनकी जो है गर्दन में इस तरह से लपेट करके रखते थे तो ये कमीज के अलावा था उसी को जो है जबरैल ने खोल करके यूसुफ सलाम को बांध दिया था जब जबरैल पहुंचे कुएं में अल्लाह तबारक व के हुक्म से तो ये सारी बातें जो है हैं जो कि ज़िक्र की, की गई हैं मैंने आपके जो है पेश कर दी कुरान में तो कहीं इसका जिक्र नहीं है बात चीज़ों के बारे में हम कह सकते हैं जो कुरान से दूसरे मकाम पर साबित है जैसे कमीज को निकालने की बात तो ये अपनी जगह पर साबित है क्योंकि खुद कुरान में ये है आगे चल करके कि वो कमीज लेकर के बाप के पास पहुँचे थे और उस वक्त जबरीलम आए ज़बरीलम ने उनको चट्टान पर किया बखिया और जो चीज़ें जो है कि इसका ये जो है जन्नत के का ये रेशमी लिबास ये यूसुफ़लम को पहना दिया गया ये सारी बातें बहरहाल तफसीर की किताबों में मौजूद तो हैं लेकिन सही रिवायतों से ये सब बातें साबित नहीं हैं उसके बाद जो अहम चीज है उसकी तरफ इशारा किया अल्लाह तबारक ने उसे बयान किया तो कहा और हमने वही की उनकी तरफ, तरफ। लत ये हिस्सा इस आयत का इसके में पांच पॉइंट हम आपके सामने जिक्र करेंगे तफसीर की किताबों में जो जिक्र किया गया है उसकी रोशनी में और अरबी जबान के लिहाज से जो बात यहाँ मौजूद है उसकी रोशनी में मैं आपके सामने ये पांच पॉइंट जिक्र करूँगा तो पहली बात क्या है कि अल्लाह तला ने कहा वही यहां ये नहीं कहा है यूसुफ हमने यूसुफ के पास वही की अगर ये होता कि यूसुफ तब तो, तो मसला बिल्कुल क्लियर था वाजह था कि ये वही यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए लेकिन इलाही कहा गया है और ये प्रोनाउन है अब ये प्रोनाउन किसकी तरफ लौट रहा है इस सिलसिले में मुफस्सरीन की दो राय है पहली राय ये है कि ये प्रोनाउन याकूब के लिए है कम मुफसरण है जो इसके कायल है लेकिन फिर भी पहले मैं इसको जिक्र कर रहा हूँ हालांकि ये जो है इसमें राज़ेह नहीं है यानी हम इसको सही नहीं समझते हैं इसलिए पहले उसको जिक्र कर रहा हूँ जिसको सही समझते हैं उसे बाद में जिक्र करेंगे तो बाज़ बादन ने क्या जिक्र किया है कि ये इलेही की याकूब की तरफ लौट रही है तो माना क्या होगा कि हमने याकूब के पास वही कर दी जब याकूब सलाम के पास वही आई वो नबी थे तब कोई मसला नहीं आई शायद के तब कोई इश्काल नहीं पैदा होता है तब कोई डाउट नहीं आता है इसके ताल्लुक से कि जो है ये वही कैसे आ गई जो है क्योंकि अभी तो यूसुफ़ बच्चे हैं तो बच्चे हैं अभी नबी नहीं बनाए गए थे तो उनके पास कैसे वही आई तो वहाँ पे एक सवाल आता है लेकिन यहाँ कोई सवाल नहीं आएगा क्योंकि याकूब आसम उस वक्त नबी थे तो अल्लाह ताला ने अपने नबी के पास वही कर दी क्या कहा लत बेम बे, बे अम्रम कि तुम यकीनन इनको खबर करोगे उनके इस मामले के बारे में उनके इस जो है उनकी इस घिनावनी हरकत के बारे में उनके इस जो है गलत अमल के बारे में उनके इस जो है वो बुरी हरकत के बारे में तुम उन्हें ज़रूर खबर दोगे यशुरून इस हाल में कि वो उस वक्त उनको एहसास नहीं होगा वो जानेंगे नहीं और जो है उस वक्त तुम उनको इसके बारे में खबर दोगे तो ये तो इस लिहाज से तो ठीक है कि वही नबी के पास आती है या खूब सलाम के पास नबी आई ये वही आई लेकिन आगे की जो बातें हैं वो बातें इसकी पूरे तरीके से तायद नहीं करती क्योंकि आगे की जो बातें अगर ये वही याकूब सलाम के पास आई थी तो फिर याकूब सलाम उनके अजब आ कर के उन्होंने ख़बर दिया तो क्यों इतना परेशान हुए और क्यों उसके बाद रोते रहे और क्यों जो है वो सारी चीज़ें जो है जो कमीज़ लेकर के आए थे वो कमीज जो है उनको दिखाना वो सारी चीज़ें जो है होना और कब उन्होंने भाइयों को इसके बारे में बताया याकूब ने अपने बेटों को इसके बारे में बताया ये सारी चीज़ें जो है पूरे तरीके से याकूब अलैहिस्सलाम के को वही की गई इसके ताल्लुक़ से ये चीज़ें जो है सब मुआफ़त नहीं करती हैं इसलिए उसके हम क़ायल नहीं हैं आम तरीके से मुफसरन की राय ये है कि ये जमीर यूसुफ सलाम की तरफ लौट रही है तो माना होगा आयत का वो और हमने यूसुफ को वही की अब ये मसला आता है कि यूसुफ अभी बच्चे थे तो उनके पास वही कैसे आई अभी तो नबी नहीं बनाए गए थे तो उनके पास वही कैसे आई एक चीज एक सवाल होता है जो उठता है और बनता है सवाल उसका जवाब भी दिया जाता है तो इस सिलसिले में अवा जो है ये वाह्य ये किस तरह की वाहिय थी अगर ये कहा जाए कि ये वाह्य जैसे अम्बिया कराम को वाह्य आती है उस तरह की वाह्य नहीं थी ये वो वाह्य है जो शहद की मक्खी के बारे में कुरान में जिक्र है कि शहद की मखी को किया ये भी कुरान में तो शहद की मखी को अल्लाह तबारक ने जो सलाहियत दी है और जो उसकी रहनुमाई की गई है अल्लाह ताला की तरफ से और शहद की मखी के तालुक़ से जो ये बातें हैं उसी को वही कहा गया है तो याकूब यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी उस वक्त उनके दिल के इतमान के लिए अल्लाह तबारक वत ने उनके दिल में जो बात डाल दी उसी का नाम वाह्य है और उसी को यहाँ वाह्य कहा गया है ये जो नबूत के बाद की वाह होती है फरिश्तों के जो है जिब्राइल लेकर के आते हैं फरिश्ते के जो है वास्ते से जो वही आती है अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह के बंदों के लिए जो गाइडलाइन भेजी जाती है उसका ये वो वही नहीं है ये तो कोई इशकाल नहीं रहता है। दिल में बात डालने की बात है तो दिल में बात डालने की जो बात होती है और बाकायदा जो है अल्लाह ताला की तरफ से ये चीज़ होती है तो ये वही नबूवत की वही नहीं होती है और इस वही के लिए नबी होना कोई जरूरी नहीं होता है जैसे मूसा सलाम की माँ के बारे में भी ये बात कुरान में है कि अल्लाह तला ने उनके वो वहाँ भी वही का लफ्ज़ ही आया हुआ है और कि अल्लाह तला ने उनके माँ के दिल में बात डाल दी थी उनकी माँ को वही कर दी थी तो बाज़ जो है मुफसरीन ने वहाँ पर वही के लफ्ज़ से मूसा की माँ के नबी होने की दलील ली है जबकि आम तरीके से अहम की राय यही है कि जो भी नबी गुजरे हैं रसूल गुजरे हैं वो सब की सब मर्दों में से हैं किसी औरत को नबी नहीं बनाया गया तो वहाँ पर भी यही बात कहते हैं कि ये वही नबूत वाली वही नहीं है बल्कि ये दिल में जो बात डाल दी गई थी अल्लाह ताला की तरफ से उसी को वही कहा गया है क्योंकि दिल में जो बातें डालती डाल दी जाती है ना उसको भी वही अरबी में कहा जाता है तो अरबी का जो है वही है उसके लिए भी इस्तेमाल होता है ये एक बात थी वरना मुफसरीन जो है इस सिलसिले में इस बात के भी कायर हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जी अलैहिस्सलाम ये वाह्य लेकर के आए थे और बाद मुफसरन ने इसको ख्वाब के वाहिय जो यानी ख्वाब में यूसुफ असलाम को ये चीज बता दी गई ख्वाब वाली बात भी हमें बहुत दूर की लगती है बहुत दूर की कौड़ी लगती है क्योंकि ख़्वाब इसका मतलब ये हुआ कि यूसुफ अम सोए अब उस तरह की उस हालत में उस वक्त उनका सोना ख़्वाब देखना ये सारी बातें जो है उस माहौल में उस उम्र में और उस जगह पर ये सारी चीज़ें हो जाए इस तरह के माहौल में उस जगह जहाँ पर जाहिर सी बात है कि अभी ये बच्चे हैं बच्चा डरेगा भी सारी चीजें भी होंगी और परेशानी का सबब बनेंगी ये सारी चीज़ें तो हमें जरा वो चीजें दिल को भाती नहीं है मुफसरन की वो जो है वो ओपिनियन दिल को भाते नहीं है अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जबराइल खुद वही लेकर के आए तो अब जाहिर सी बात है कि पहले ही यूसुफ बच्चे हैं घबड़ाए हुए हैं परेशान हैं पहले ही से उनकी हालत खराब है उस अंधेरे कुएं में जहां उनका कोई पुरसान हाल नहीं परेशान हाल है और अगर जिब्राइल आ जाए उसी हालत में तो हमारे प्यारे नबी सा चालीस साल की उम्र के थे गारे हरा में जब जा करके इबादत करते थे और पहली ले, वही जिवरे के आए तो काफी परेशान हो गए थे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कि आप जानते हैं काफी परेशान हो गए भागे भागे आकर के अपनी बीवी अम्मा खदीजा खदीजर रजियाल्ला तहा से कहा कि चादर उड़ा दो और काफी आप परेशान हो गए थे आपकी तसली के लिए आपकी बीवी अम्मा खदीजर रदी अल्लाह तहा आपको वरका भी नौफल के पास लेकर के गए थे ये चीजें आप जानते हैं तो ये जो है जेबराम का उस हालत में वही लेकर के आना खुद यूसुफ असलाम के लिए एक परेशानी का सबब बन सकता है उनकी जो है परेशानी और कम होने के बजाय और बढ़ सकती है तो ये कोई जरूरी तो नहीं है कि यूसुफ अलीलाम के पास जी इब्राई सलाम ही वही लेकर के आए दिलों में जो बात डाल दी जाती है उसको भी वही कहा जाता है अगर वो बात कहते हैं कि हमने उनको वही कर दी यानी यूसुफ़ सलाम को वही कर दी उनके पास उनके दिल में जो है ये बात डाल दी कि यहाँ पर सुकून से रहो तुम्हारा कुछ नहीं होगा कुछ नहीं बिगड़ेगा कोई परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है किस चीज की वही की थी और क्या बात दिल में डाली गई थी अल्लाह तला ने कहा लत बेम हादा लत बे अन्ना हों बेअम्रिम हादा सिर्फ इतने ही टुकड़े में तीन पॉइंट है तीन पॉइंट तो अब नोट कीजिएगा ये पहली बात की इसको बड़ी ताकीद से बयान किया गया है क्यों यूसुफ अलैहिस्सलाम जो अभी अंधे कुएं में और कुएं के अंधेरे कुएं में वहां पर बेयारो मददगार पड़े हुए हैं ऐसी हालत में जब कोई भी बात ऐसे शख्स से कही जाती है या दिल में बात आए भी दिल में डाल दी भी गई हो तब भी कहीं ना कहीं शको शबहत के बादल तो मडलाते रहते हैं ऐसे वक्त में तो ये चीज़ चूंकि संभाविक है यानी मुमकिन है कि सामने वाले को इस इस वक्त पूरा यकीन न हो तो अल्लाह तबारक ने बड़ी ताकीद के साथ ये बात जिक्र की है कि तुम यकीनन जरूर बिज़रूर उनको बताओगे खबर दोगे इसके बारे में बड़ी ताकीद है उसमें लत बे बेअमरे ये पहला पॉइंट था ताक़ीद के साथ क्यों बयान किया दूसरी बात ये है कि यहां कहा बे बेअमरे हिम हार बे उनकी इस हरकत के बारे में तुम उनको बताओगे भाइयों को उनकी इस हरकत के बारे में बताओगे तुम आगे चल करके अब सवाल यह है यहाँ पर कि कुरान में अल्लाह ताला ने उनका ये तो बहुत ही उनकी गलत हरकत थी और बड़ा जो है घिनावना जो है यह अमल था उनका घिनावनी हरकत थी यानी भाई होकर के अपने भाई के साथ इस हद तक दुश्मनी कि भाई को जो है हलाक करने के लिए भाई को जो है निश्त नाबूद करने के लिए ले जा करके कुएं में डाल दिया और जो भाइयों का सुलूक होना चाहिए था जो रहम का मामला होना चाहिए था वैसी कोई चीज़ नहीं हुई इस घिनौनी हरकत को अल्लाह ताला ने सिर्फ़ अम्र कहा है ही महादा। यानी जब तुम बयान करोगे नोट कीजिएगा ये पॉइंट बहुत है अम्र कहा है सिर्फ यहाँ पर अम्र बेअम्र ही उनके इस काम को ये नहीं कहा है कि बेअमहिम अशनी और बेहद उनके इस बुरे अमल को तुम बयान करोगे उनकी इस गिरी हुई हरकत को तुम उनके सामने जिक्र करोगे ऐसा कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया तो मतलब क्या निकलता है इससे इससे ये बात समझ में आती है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके सामने उनकी इस गलत हरकत और उनकी इस बेहद जो है जो है इनके इस बेहूद काम का जिक्र करेंगे तो अल्फाज कुछ ऐसे नहीं होंगे जिससे उनको मजीद जो है परेशानियों का सामना करना ये अच्छे लोगों की पहचान होती है कि अगर वो कीचड़ में हो तब भी ये नहीं चाहते कि किसी और को ये कीचड़ जो है पहुंचे खुद वो तकलीफ में है तब भी वो ये नहीं चाहते कि दूसरे को तकलीफ पहुंचाई जाए अगर उस फेल उस अमल की जो शनात थी उस अमल के अंदर जो भी जो जो एक गिरी हुई जो ये हरकत थी ये अगर उस तरह का कोई लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता कि तुमने ऐसी ऐसी मेरे साथ हरकत की है यानी पूरे तरीके से उसकी शनाद को बयान करते हुए जिक्र किया जाए तो भाइयों को और तकलीफ होगी उस वक्त नहीं सिर्फ याद दिलाया वो तो मामला तुमने भाई के साथ जो यूसुफ के साथ कुएं में उनको गिरा करके कुएं में डाल करके किया था वो क्या क्या हरकत की थी वो पूरी उस तरह से उसको याद दिलाने की जरूरत नहीं बस इतना सा अच्छे लोग यही करते हैं बुरे लोग क्या करते हैं जितना हुआ नहीं उससे कहीं ज्यादा उसमें नमक मिर्च लगा करके पेश करते हैं ताकि सामने वाले को मजीद जो है शर्मिंदगी का सामना करना पड़े मजीद तकलीफ का सामना करना पड़े लेकिन अच्छे लोग नहीं इस तरह से बयान करते तो अल्लाह ताला ने इसलिए क्या कहा बेअम्रिम हद सिर्फ इतना कहा कि उनके इस मामले को उन्हें बताओगे और उस मामले की कोई सिफत नहीं बयान की कि उनका ये उनकी ये गिरी हुई हरकत उनका ये जो है बहुत ही अखलाक से गिरा हुआ अमल ऐसा कुछ भी जो है इशारा नहीं किया गया और तीसरा पॉइंट जो है इसमें यह है जो अल्फाज में जिक्र नहीं किया गया है लेकिन ये अंदाज बताता है कि अल्लाह ताला ने उस मौके पर जब अभी यूसुफ असलाम कुएं की गहराई में पड़े हुए हैं और उनका कोई पुरसान हाल नहीं है उस वक्त उनके दिल में ये बात डाली उनको वही यकी कि तुम उनको उनकी इस हरकत के बारे में ज़रूर बताओगे तो इससे क्या पता चलता है कि यू जिंदा रहेंगे बाकी रहेंगे और अल्लाह ताला उनके लिए वहां से निकलने का कोई ना कोई इंतजाम कर देगा ये उनके लिए तसल्ली की बात है और ऐसा इंतजाम करेगा कि बाद में इनको इस जमीन पर गलबा हासिल हो जाएगा वो तो हाकिम बन जाएंगे और कुवत होगी उनके हाथ में ताकत होगी उनके हाथ में ये सब बातें कैसे मालूम हो रही है? एक मजलूम आदमी जालिम को उसकी गलत हरकत की याद कब दिला सकता है जब वो मजलूम ताकत पर आ जाए जब तक वो मजलूम है कभी भी नहीं कह सकता वरना तो जालिम फिर से मजीद और जुल्म करना शुरू कर देगा नोट कीजिएगा ये पॉइंट यानी यहाँ कहीं जिक्र नहीं है लेकिन ये अल्फाज बता रहे हैं इसको इससे हमें ये इशारे मिल रहे हैं इसको तलमीह कहते हैं बलागत की अतलाह में ये भी जो है आ, जबान जबानो अदब जब आदमी जानता रहता है ना तो वो इन सब चीज़ों को नोट कर लेता है पहचान लेता है और आयतों और अलफाज के अंदर से ये चीज़ें निकाल लेता है तो क्या है इसी इन्हीं अल्फाज में ये इशारा भी मेरे भाइयों मौजूद है वो इशारा क्या है कि अल्लाह ताली तुम्हें गलबा नसीब फरमाएगा ये उस वक्त दिल में बात डाली जा रही है जब उनकी अपनी जान के लाले पड़े हुए थे तो अल्लाह ताला ने उनकी तसली के लिए उनके दिल में बात डाल दी कि सिर्फ यही नहीं कि तुम्हें यहाँ से निकाला जाएगा बल्कि ये मामला भी है कि तुम्हें क़्वत नसीब होगी इज्जत नसीब होगी और तुम इस ज़मीन पर इतने ताकतवर होकर के उभरोगे कि तुम्हारे पास तुम्हारे ये भाई आएंगे तुमसे मदद तलब करने के लिए तुम हाकिम होगे, वो महकूम होंगे और उस वक्त तुम उनको इस बात की खबर दोगे क्योंकि तो मजलूम अगर मजलूम ही रह जाएगा अगर वो कमजोर ही रह जाएगा तो जालिम को उसके जुल्म के हवाले से वो कुछ नहीं कह सकता वो तो खामोशी में ही अपनी आफियत समझता है तो यहां पर ये इशारा मेरे भाई वो मौजूद है अब आखिरी बात में ईसायद के ताल्लुक से जो आखिर में कहा गया वायश और यानी अल्लाह ताला ने कहा यह वाव इसको हालिया कहते हैं वाव हालिया यानी तुम उनको जरूर बताओगे इस मामले के बारे में इस हाल में कि वो जानते नहीं होंगे उन्हें इल्म नहीं होगा कि तुम ही यूसुफ हो और आगे का जो किस्सा है कहानी है आगे की जो आयतें हैं वो बता रही हैं कि यूसुफ असलाम ने जब उनको याद दिलाया इसकी कि तुम्हारा भाई यूसुफ उसके साथ जो तुमने किया वो क्या वो तुम्हें याद है तुमने ऐसे वक्त में किया जबकि तुम नादान थे और तुम्हारा तुमने जो है तुमसे ये हरकत जो है अनजाने में हो गई है याद दिलाया है आगे चल करके तो उस वक्त उन भाइयों को पता नहीं था कि यही यूसुफ हैं तो अल्लाह ताला ने पहले ही कुएं में के दिल में ये बात डाल दी दिल में ये बात डाल दी थी कि ऐसा आगे चल कर के होगा और बहरहाल हुआ भी ऐसे ही ये भी बाज मुफस्सरीन लिखते हैं यहाँ पर कि यूसुफ अलीलाम अगरचे की नबी नहीं थे लेकिन जिनको बाद में नबी बनना होता है तो उससे पहले भी बचपन में भी या जवानी के शुरू में भी उन पर वही आ जाती है ऐसा होता है तो सलाम के पास ये वही आई बहरहाल ये बात तो अपनी जगह पर है कि यूसुफ के दिल में ये बात डाल दी गई जो उनके लिए इत्मीनान का सबब हो और जिससे उन्हें थोड़ा सुकून मिले इत्मीनान हासिल हो कि मैं यहाँ पर परेशान तो हो सकता हूँ लेकिन मेरी जान को कोई ख़तरा लाइक नहीं होगा मैं ज़िंदा सलामत यहाँ से निकलूँगा और सिर्फ निकलूँगा ही नहीं बल्कि ज़मीन पर मुझे गलबा और क़वत भी हासिल होगी और आगे चल कर के यही भाई मेरे सामने आएंगे भी और मैं उन्हें इन सब चीज़ों की खबर भी दूँगा तो सारी चीज़ों की तसल्ली वहीं पर हो गई तो ये नोट कर लीजिए यानी ऐसा भी अल्लाह तला ने इसी वक्त ये भी बता दिया कि अपने घर से बिछड़ गए भाइयों से बिछड़ गए सब कुछ हुआ लेकिन यही भाई बाद में मिल भी जाएंगे ये भी जो है यानी सिर्फ यही नहीं कि उनको कुत हासिल हो जाएगी गलबा हासिल हो जाएगा वो जिंदा रहेंगे सिर्फ यही नहीं बल्कि ये रिश्तेदार भी आपस में मिल जाएंगे तो सारी चीज़ों की तसल्ली अल्लाह तबारक वाली ने उसी कुएं में करा दी अलैहिस्सलाम के सामने ये बातें आ गई उनके दिल में डाल दी गई अब यहाँ से अलैहिस्सलाम का मामला तो अब रुक जाता है अब भाइयों का मामला कि कुएं में तो डाल दिया अब कुएं में डाल देने के बाद अब तो बाप के पास आना है तो बाप के पास आएँगे तो बाप को किस तरीके से तसली देंगे और किस तरीके से उन्हें जो है इसके लिए काने करेंगे किस तरीके से उन्हें मतमईन करेंगे कि हमने कुछ नहीं किया है बल्कि यूसुफ़ के साथ एक हादसा पेश आ गया बाप को कैसे इसका यकीन दिलाएंगे उसके लिए क्या क्या हरकतें हो सकती हैं उसको आप आगे की आयत में मुलाहजा कीजिए आगे आयत नंबर सिक्सटीन में अल्लाह ताला का इरशाद है कि अबाहुम वजा और आए अपने बाप के पास ईशा के वक्त रोते हुए यब कौन रोते हुए आयत छोटी सी है लेकिन आप गौर कीजिएगा कि अल्लाह ताला ने किस तरीके से इस वाक़ को इसमें बयान किया आगे क्या हुआ कुछ चीज़ें हैं जिनको जिक्र नहीं किया गया वो अंडर इस्टूड है वो क्या अब यूसुफ़ल को कुएँ में डाल दिया गया सब कुछ हो गया तो अब बाप के पास जाना है बाप के पास जो है क्या बातें करनी है आपस में ये तय हुआ होगा वहाँ पर वो चीज़ें अंडर स्टूड है अलैहिस्सलाम की कमीज को निकाल लिया था तो अब जाहिर सी बात है कि ऐसे ही कमीज लेकर के चले जाएंगे तो भी इत्मीनान नहीं होगा तो उसके लिए उन्होंने बाज रवायतों में इसका जिक्र है तफसीर की किताबों में इसका जिक्र है कि बकरी का एक बच्चा लेकर के उन्होंने जबह कर दिया वहाँ पे और उसका खून लगा दिया कमीज पर और उस कमीज को लेकर के अपने बाप के पास आए थे तो ये तो चीज़ जो है अंडर स्टूड है उसको जिक्र नहीं किया गया कि अंडर स्टूड है कोई भी समझ सकता है उसको तो जो चीज़ें समझ में आ जाती हैं कुरान में उसका ज़िक्र नहीं किया जाता है यही इसी को इजाज कहते हैं अरबी जबान में और ये भी अरबी बलागत की एक जो है का एक हिस्सा है कि कम अल्फाज में बहुत कम अल्फाज में पूरी बात ज़िक्र कर दी जाए तो जो बातें अंडरस्टूड होती हैं उसमें फिर उसको जिक्र नहीं किया जाता है। और इसमें क्या कहा है अब जो है आयत पे गौर कीजिए व अबाहुम आबाह इशा अन तो पहला लफ्ज अबाहुम बल्कि उसके पहले भी जाऊ का लफ्ज है उस पर भी गौर कीजिए अरबी जबान के लिहाज से दूसरा अबाहुम है और तीसरा इशान है और चौथा लफ्ज इसमें क्या है यबकून है और हर लफ्ज पर गौर करने की जरूरत है क्या कहा अल्लाह तला ने यहां पर वह और आए तो ये नहीं कहा है अल्लाह ताला ने कि व जबकि अपने घर क्या है वो वापस हुए ना वहां से वो गए थे घर से घर से वहां जाकर के फिर जंगल से वापस आए हैं तो रजाऊ भी बनता है लफ्ज यहाँ पर अरबी जबान का रजाऊ आदु बहुत सारे अल्फाज हैं अरबी में जो लौटने के माना में होते हैं रिटर्न जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं लेकिन वो लफ्ज नहीं यूज किया गया है क्या कहा गया है? जाओ जिसे आपको इंग्लिश में कहना हो तो कहेंगे आप दे वो आए ये कहा गया है ये बात जो है तर्जमे में उसके ट्रा, ट्रांसलेशन में जो है वो जो उर्दू का ट्रांसलेशन है उसमें तो बिल्कुल ही जो है यानी तर्जमा जैसा करना चाहिए था नहीं किया है इसका। जो लफ्ज है उसके लिहाज याद रखिए यहां पर जाऊ का लफ्ज इस्तेमाल किया गया जो खुद अपने आप में एक पॉइंट रखता है उसकी जो अहमियत है मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि रजाऊ नहीं कहा गया क्योंकि और जैसे गए थे वैसे वापस नहीं हुए इसलिए वापसी के कहने के बजाय कि वापस हुए अल्लाह तला ने कहा आए अब ये एक नए अंदाज में आ रहे हैं जैसे गए थे वैसे नहीं गोया कि अब ये आ रहे हैं कुछ नए लोग हैं जो अभी आ रहे हैं अपने बाप के घर आ रहे हैं ये लौट नहीं रहे हैं ये आ रहे हैं कहा जा रहा है कि आ रहे हैं ये क्योंकि एक अलग शख्सियत को साथ में लेकर के आ रहे हैं अलग चेहरा लेकर के आ रहे हैं जो चेहरा लेकर के गए थे उस चेहरे के साथ वापस नहीं आ रहे हैं बल्कि ये एक नया चेहरा है जो कि आ रहा है क्या है दूसरा लफ्ज कहा? ये नहीं कहा कि वाऊ इला ये भी नहीं कहा व जाऊ इला बल्कि क्या कहा जाऊ अबाहु जाऊ अबाहु वैसे जाओ जो फेल होता है ना अरबी जबान में तो उसमें जो है हरफे जर आना चाहिए था इला अभी क्योंकि ये खुद से मुतादी नहीं नहीं होता है यानी उसका खुद से मफूल नहीं आता है ये फेल लाजिम कहलाता है अरबी जबान में अल्लाह तला ने क्या कहा है अबाह नोट कीजिएगा ये भी अबाह अपने बाप के पास आए अबाह अपने बाप के पास आए अल्लाह तला ने क्या कहा अपने बाप के पास आए सोचिएगा ना याकूब आपको कहा और ना ही ये कहा सिर्फ कि इलल अब कुछ नहीं बल्कि क्या कहा अबाह अपने बाप के पास आए अपने बाप के पास इस वक्त भी उन्हें याद दिलाया जा रहा है कि जहां आए हो जहां जा रहे हो वो कौन है उनके बाप है ये बाप के पास आए अपने जो है। और इससे इससे उनके उस अमल का घिनौनापन उनकी ये गलत हरकत और ज्यादा जो है खुल करके सामने आती है कि तुमने ये गंदी हरकत जो की है कभी अपने बाप को सोचा तभी ये रखा कि ये हमारे बाप है इनका क्या होगा इनको कितनी परेशानी होगी हमने यूसुफ के साथ दुश्मनी तो निभा रही है, हम निभा रहे हैं और यूसुफ को अपनी जो है अपने हसद का और अपनी दुश्मनी का जो निशा, निशाना बना रहे हैं तो इसमें हमारे बाप भी पिस रहे हैं हम उनको भी अजयत और तकलीफ में मुब्तला कर रहे हैं जाओ अबाओ फिर क्या कहा इशा अन ऐशा असल में अरबी में उस वक्त को कहा जाता है जब ये शफक जो होती है सूरज के डूबने के बाद जो शफक रहती है लाली रहती है आसमान पर जब वो लाली ख़त्म हो जाती है तब जो है उस वक्त को अरबी में ऐशा कहते हैं इसीलिए उस नमाज को ऐशा की नमाज का असल में वो वक्त है वो वहीं से अरबी में जो है ऐशा का वक्त वहीं से शुरू होता है यानी वो रात की जो तारीकी शुरू होती है वहां से उसको अरबी में ऐशा कहा जाता है तो उन्होंने यूसुफ को जो है डाल दिया कुएं में उसके बाद उनके पास काफ़ी वक्त था जल्दी भी आ सकते थे लेकिन आए कब हैं ये ऐशा के वक्त में आए हैं अशा के वक्त में क्या हो जाता है तारीकी छा जाती है अंधेरा हो जाता है ऐशा के वक्त में क्योंकि जब ये शफक भी ये लाली भी खत्म हो जाती है तो अंधेरा अपना पैर पसार लेता है और अंधेरा छा जाता है उस वक्त हमेशा लोग गलत हरकत करके ये नफ्सियात की बात है याद रखिएगा इंसान की साइकालोजी की बात है गलत हरकत के लिए लोग रात की तारीकी का ही इंतख्य करते हैं रात की अंधेरे में करते हैं और दूसरी बात क्या है कि अंदर से जाहिर सी बात है कि उनका दिल तो इसके लिए उनका नफ्स अंदर से मलामत तो कर ही रहा होगा जो गलत हरकत ये किए हुए हैं तो इसको रात के अंधेरे में छुपा देना चाह रहे हैं जब जाएं अपने बाप के पास तो रात का अंधेरा हो आज के जमाने का अंधेरा नहीं है ये या उस जमाने का अंधेरा सोचिएगा आज तो खैर इतनी लाइटें होती हैं कि उस लाइटों में सब कुछ नजर आता है लेकिन उस जमाने का तस्वूर कीजिए जब ये लाइटें नहीं थी और रात के अंधेरे में वापस आएंगे तो उनके चेहरे का जो आव भाव है कहीं याकूब अलैहिस्सलाम उसे देख करके उनके हर अंदर का हाल न जान जाए तो अपने आप को छुपाने के लिए उन्होंने रात का इंतखाब किया रात के वक्त अपने बाप के पास पहुंचे हैं तो इसी इन इन्हीं अल्फाज में वो सारी बातें हैं मेरे भाई सारी बातें इसी के अंदर हैं मौजूद है। ईशान रात के वक्त आए रात का कौन सा हिस्सा रात का जो शुरू का हिस्सा होता है वो हिस्सा जबकि अंधेरा छा चुका होता है उस हिस्से में ये अपने बाप के पास आए और आखिरी बात क्या थी यब कौन रोते हुए आए रोते हुए आए दिन में भी आ सकते थे वो पहले बात आपके सामने आ गई सारी चीजें हो सकती थी लेकिन उन्होंने इसका इंतखा किया क्योंकि अंदर से जो उनकी आत्मा जिसे कहते हैं रूह कहते हैं वो जो है या जो है नफ्स जिसे आप कहते हैं ज्यादा बेहतर लफ्ज है क्योंकि कुरान में भी इस तरह जो है नफ्स का ही लफ्ज ऐसे मौके के लिए इस्तेमाल किया गया है अंदर से उनका वो नफ्स जो मलामत कर रहा है वो डर सा जो अंदर से है गलत काम किए हुए हैं तो अंदर से एक डर एक खौफ रहता है ऐसा आदमी बहुत डरा हुआ रहता है और उस जो है डर के का जो असर चेहरे वगैरह पर हो सकता है उसको छुपाने के लिए उन्होंने इस वक्त का इंतख्या किया और क्या किया रोते हुए आए एक्टिंग असल में ये रोना नहीं था बल्कि ये कौन से आंसू थे ये ये तो साजिशों के आंसू हैं ये वो आंसू नहीं हैं जो किसी तकलीफ के वक्त में आंखों से जारी हो जाते हैं। कहते हैं कि पहचानने वाले आंसू जो चेहरे पर गाल पर गिरता है उसी से पहचान सकते हैं कि ये आंसू सच्चा है या झूठा है तो चूंकि ये झूठे आंसू थे रात का इंतखब किया कि कहीं हम पहचान न लिए जाए और चूंकि ये बनावटी बनावटी रोना था दिखावे के लिए रोना था अंदर से दिल तो हंस रहा था और आंखों से आंसू जो निकल रहे थे जो रोना था ये तो सिर्फ दिखावे का था तो अल्लाह ने कहा कौन रोते हुए आए रोते हुए आए ऐसा नहीं हुआ कि पहुंचे घर और जब कहानी बयान करना शुरू किया यूसुफ के ताल्लुक से तो दर्द के मारे ये आंसू आंखों से छलक आए ऐसा नहीं था वो तो रोते हुए आए और हमेशा गलत आदमी ऐसे ही करता ये सब चीजें हैं मेरे भाइयों जिंदगी की सच्चाइयां हैं ये नोट कीजिए आपकी जिंदगी में आपको ये तजर्बे बहुत फायदा पहुंचाएंगे ये बातें जो यहाँ जिक्र की जा रही हैं बहुत फायदा पहुंचाएंगे ये पहचानने का तरीका है याद रखिएगा ये आने के बाद उसको याद करके नहीं रोना शुरू किए हैं आंखों से आंसू नहीं निकले हैं एक आदमी जो जो है बताना शुरू किया तो उसकी आंखों से आंसू और अपने आंसू पे कंट्रोल किए बगैर वो बता रहा ऐसा भी कुछ नहीं है ये ये सब की सब क्या है रोते हुए आ रहे और यहीं से ये बात समझ में आ जाती है कि ये सब की सब पहले से तय था कि हमको रोते हुए जाना है जाना ही है रोते हुए जब रोते हुए जाएंगे तो बाप पूछेंगे भाई क्या हो गया तब हम ये जो है उनके सामने जिक्र करेंगे तो अब इनको होगा कि शायद वो ये यकीन कर लेंगे हालांकि जानने वाला ताड़ने वाला तो इसी से ताड़ जाएगा कि ये सब जो है रोते हुए ऐसे दाखिल हुए हैं तो ये है मेरे भाइयों इस आयत के ताल्लुक से ये चंद बातें हैं और उसके बाद क्या हुआ है वो आगे की आयत में इंशाल्लाह आप उसके लिए एक हफ़्ते का इंतज़ार कीजिए आगे की आयतों में जो जिक्र है इनशा आइंदा हफ्ते आपके सामने वो बात आएगी आज का तफसर का ये दर्स हम यहीं पर ख़त्म करते हैं सुबह है का शद वाह अस्तफ़िर बतूब हो